हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो आज मैं आप सबसे डिस्कस करने वाला हूं कि SBI PO मेंस का जो एग्जाम आने वाला है उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, ताकि आपसे कोई बहुत जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो छूट ना जाए। इसलिए आज मैं सारे जो टॉपिक्स हैं जो मेरे हिसाब से और पिछले एग्जाम के हिसाब से और ट्रेंड के हिसाब से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप कहीं छोड़ ना दें। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है रमनदीप सिंह और मैं बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम पर काम करता हूं। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है लिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्ट्रीज। कौन सी मिनिस्ट्री कौन से मिनिस्टर के पास है, वेरियस मिनिस्टर्स हैं, उन सबके आपको नाम याद करने पड़ेंगे। उनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है ये आपको याद करनी पड़ेगी। रेलवे मिनिस्ट्री या HRD मिनिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नहीं पूछते हैं, अनकॉमन जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो और जो कॉमन मिनिस्ट्रीज हैं जैसे HRD है या ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री है, इन्होंने क्या क्या नए स्कीम्स पे काम किया है, कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं, तो इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछली बार एक क्वेश्चन जरूर आया था इसमें से। नेशनल पार्क, इसमें से पिछली बार दो क्वेश्चन आए थे। नेशनल पार्क कौन सा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ कहाँ पे है इंडिया में, जो नेशनल पार्क है कितने नेशनल पार्क है और कहाँ पे हैं, और वाइट टाइगर्स कहाँ पे होते हैं, कुछ जो नेशनल पार्क्स हैं वो किसके लिए मशहूर हैं ज़्यादा, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। कौन और कितना एरिया है, कौन सी स्टेट में है, कितने तरह के एनिमल्स और पक्षी पशु वहाँ पे रहते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करते हैं। वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स जो लॉन्च की गई हैं इस साल, चाहे वो मुद्रा स्कीम हो, स्टार्टअप इंडिया हो, बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं इस साल। तो ज़्यादा तो इस बार मुद्रा स्कीम के बारे में, सुकन्या समृद्धि योजना हो, तो बहुत ये 5-7 जो स्कीम्स, जब भी गवर्नमेंट स्कीम्स का नाम आता है तो आज की डेट में ये 4-5 स्कीम्स का जो नाम है वो दिमाग में ज़रूर आ जाता है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स ज़रूर करें। इसकी मैंने एक स्पेशल PDF बना के रखी हुई है गवर्नमेंट स्कीम्स की, जिसको मैं हर 15-20 दिन में अपडेट करता हूँ, और इसका जो PDF का लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ नीचे ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए इसके लिंक को और उसको ज़रूर पढ़िए। एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार तो ज़रूर पढ़िए। लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डैम्स, पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था, भी ये डैम कौन सी स्टेट में है और कितनी पावर जनरेट करता है और कौन सी नदी पे बना हुआ है, ये याद करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सतलुज जो रिवर है उस पे जो डैम है, भाखड़ा डैम, या ऐसे आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी नदी पे कौन सा डैम है, कितने मेगावाट जो है बिजली पैदा करता है, तो ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद बात करते हैं इंडियाज रैंक इन वेरियस इंडसेज। इंडिया का क्या रैंक है अलग अलग जो डेवलपमेंट इंडिसेस हैं, जो इंटरनेशनल IMF, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF, WTO, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस कुछ रैंक्स बनाती हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी है, तो बहुत सारे इंडिसेस हैं, तो उसमें इंडिया का क्या रैंक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये कुछ पॉपुलर नाम है। इस पर मैंने एक ऑलरेडी आर्टिकल लिखा हुआ है, लिंक इन सब टॉपिक्स का मैं है कि एक्चुअली पोस्ट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, और जब आप ये वीडियो देखेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन सब का डिटेल्ड जो लिंक है एक नीचे बिल्कुल आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप गवर्नमेंट स्कीम्स को क्लिक करें तो PDF निकल के आ जाए, और रैंक आप देखना चाहते हैं इसका पोस्ट बना हुआ है तो वो भी निकल के आ जाए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर दूंगा, तो आप ज़रूर उस पोस्ट को विजिट कीजिए। तो इंटरनेशनल इवेंट्स, जो सारे इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, नॉट जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है बैंकिंग और इकोनॉमी, बट बैंकिंग इकोनॉमी से आगे स्पोर्ट्स के इवेंट्स, या कोई इंटरनेशनल इकोनॉमिक G5, G20, इनकी समिट्स हुई है, ब्रिक्स की समिट हुई है, एशियन बैंक्स, एशियन कुछ ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी समिट हुई है, ये इसके बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने करंट अफेयर डाइजेस्ट मेरा पढ़ा हुआ है, अगर आप जो मेरी GK डाइजेस्ट ऐप को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और अगर आपने अभी तक GK डाइजेस्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो GK डाइजेस्ट एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कर लें, पहले बहुत इंपॉर्टेंट है GK टॉपिक्स के लिए।
तो उसके बाद बात करते हैं रीसेंट टैक्सेस एंड पॉलिसी चेंजेस। अभी के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट ये वैसे पॉइंट निकल के आता है, जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद अभी जीएसटी निकल गया है, अभी टैक्सेस टैक्स रेट सारे चेंज हो चुके हैं, सर्विसेज पे 18% तक कहीं पर टैक्स लग चुका है, तो बहुत चेंजेस आए हैं। जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक दो क्वेश्चंस निकलने बहुत, मैं समझूंगा कि बहुत नॉर्मल बात है अगर एक दो क्वेश्चन निकल के इसमें से, जीएसटी में से, सिर्फ जीएसटी की बात करूं, एक दो क्वेश्चंस तो हैं इसमें से जरूर आएंगे, जीएसटी में से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, और इंटरनेशनल लिमिट्स में से एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, और इंडियाज रैंक इन वेरियस इंडेक्स एक क्वेश्चन तो इसमें से जरूर बनता है, और जीरो से एक क्वेश्चन तो डैम्स में जरूर बनता है। तो अगर बात करें से आगे टॉपिक्स की, तो कंट्रीज देयर कैपिटल्स एंड करेंसीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है यहाँ पे। इसमें कंट्रीज देयर कैपिटल करेंसीज पीएम भी पूछ लेते हैं, प्रेसिडेंट भी पूछ लेते हैं, प्रेसिडेंट कौन है उस कंट्री का। तो यहाँ पे ध्यान दें कि आपको नॉर्मल जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, इन कंट्रीज के कैपिटल या करेंसीज नहीं पूछे जाएंगे। अफ्रीका की कुछ एक कंट्रीज के पूछ लेंगे, या साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की जो कुछ एक कंट्रीज हैं जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, अर्जेंटीना का वो भी पॉपुलर है वैसे तो, कुछ एक ऐसे चाइल है जैसे, कुछ ऐसी कंट्रीज जो पॉपुलर नहीं है उनकी कैपिटल्स पूछी जाएंगी या उनकी करेंसीज के बारे में पूछा जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर और प्रेजिडेंट जिन कंट्रीज में रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं तो उनके प्रेजिडेंट्स के नाम जरूर पूछे जा सकते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं बैंकिंग टर्म्स की। जैसे कि आपको पता है ये जो बैंक का एग्जाम है, एसबीआई पीयू में लिखा होता है कि बैंकिंग के बारे में काफी कुछ पूछा जाता है। वैसे करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे तो बैंकिंग के बारे में काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। दो से तीन क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसमें एक दो आएंगे, दो से तीन क्वेश्चन आप कह लीजिए कि जैसे एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या है, तो वैसे तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन कई बार एग्जाम्स में आ जाता है कि एनईएफटी की मैक्सिमम लिमिट क्या है, एमआईसीआर क्या होता है, एमआईसीआर में कितने नंबर्स होते हैं, एक चेक बुक में चेक होती है उसके कितने नंबर होते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है बेसिक बैंकिंग टर्म्स या बेसिक बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स में से आ जाता है। बैंकिंग टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स का मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर शेयर करूंगा, मैंने कंप्लीट बैंकिंग का गाइड बनाया हुआ है तो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। आरबीआई की लेटेस्ट पॉलिसीज, वैसे तो आरबीआई की जो अपनी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, बहुत इन्फॉर्मेशन है उसमें, मतलब जितनी भी ये बैंकिंग के ब्लॉग्स या वेबसाइट बनते हैं तो ये सब आरबीआई की वेबसाइट को ही रेफर किया जाता है, क्योंकि आरबीआई में जो लोग रिसर्च कर रहे हैं हम उनके लेवल के नहीं है, मतलब हम दो चार लोग कर रहे हैं, वो 100-150 लोग कर रहे हैं तो हम उनके लेवल के नहीं है। तो अगर आरबीआई की पॉलिसी आप आरबीआई की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है जितनी आपको आई थिंक जरूरत भी नहीं है। हम लोग जरूर फॉलो करते हैं लेकिन आप फॉलो करें जरूरी नहीं है, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस ही आते हैं। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम दे रहे हैं तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल फॉलो करें, लेकिन एक दो क्वेश्चंस के लिए फॉलो करना नहीं सही है। इसका बैंकिंग अवेयरनेस जो मेरा गाइड है उसमें मैंने आरबीआई की पॉलिसी के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। अगर आप करंट अफेयर्स डेली पढ़ रहे हैं या करंट अफेयर्स का मंथली डाइजेस्ट पढ़ रहे हैं तो आपको यह पॉलिसी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिटीज ऑन रिवर बैंक्स, यमुना के तट पे कौन सी सिटी है बनी हुई है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन पिछली बार आया था, इस बार भी आने के चांस हैं, हर बार आ जाता है क्वेश्चन सिटीज ऑन वेरियस रिवर बैंक्स। इन सब टॉपिक्स पे मैंने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, पीडीएफ्स बनाई हुई हैं, डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िए, या अगर कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए। तो इसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, देयर हेडक्वार्टर्स, हेड्स, मेंबर कंट्रीज, रिपोर्ट्स, कमेटी कह लीजिए, कॉन्फ्रेंसेस, तो इसके बारे में जरूर पढ़ें कि इन वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, या यूनिसेफ है, यूएन है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। पहले तो वैसे इतना अभी इम्पोर्टेंट नहीं रहा क्योंकि सबको पता है, अब तो वैसे आ जाता है। इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, इनके जो अभी हेड हैं वो कौन है,
और मेंबर कंट्रीज कितनी मेंबर कंट्री हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कितनी मेंबर कंट्री है, और ये पूछ लिया जाता है कि ये फला फला कंट्री है, वेटिकन सिटी है या कुछ इटली है, ये अफगानिस्तान यूएन का पार्ट है या नहीं है, अफगानिस्तान WTO का पार्ट है या नहीं है, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। और अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स निकालती हैं ये ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो रिपोर्ट्स बनती हैं उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी कौन सी है, ईज ऑफ डूइंग, वो जो पहले मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं जो रिपोर्ट्स और रैंकिंग्स वाला, तो यही ऑर्गेनाइजेशन रैंक्स निकालती हैं, तो लिस्ट निकालती हैं, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज, अभी जो इस महीने वैसे बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट आपको मिल जाएगी, 300-400 दिन भी मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट 100 डेट्स ही होते हैं, तो इसमें से एक क्वेश्चन तो बनता है 100% एक क्वेश्चन इसमें से बनता है लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज, जैसे टोबैको डे है, मदर्स डे कब होता है, टोबैको डे कब होता है, लेबर डे कब होता है, तो ये कुछ कुछ एक आपको पढ़ने पड़ेंगे, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वेरियस बैंक्स देयर हेड्स हेडक्वार्टर्स, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके अलावा कौन कौन सी ऐप लॉन्च करी गई है इन बैंक्स के द्वारा, कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं इन बैंक्स के द्वारा, तो इसकी बात, कुछ इनका र्यूमर्स फैले हुए हैं या कुछ एक न्यूज में इनका कुछ एक चल रहा है, कि जैसे IDBI बैंक का आजकल बहुत न्यूज में चल रहा है कि नई ब्रांच नहीं खोल सकते, नए एम्प्लॉय नहीं हायर कर सकते, तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये ऐप किसने लॉन्च करी है, इसका हेड कौन है, इसका पंजाब क्या कहते हैं नेशनल बैंक PNB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये कुछ स्कीम है ये किसने लॉन्च करी है, तो चाइना में जो ब्रांच है कौन से बैंक की ब्रांच चाइना में है ऑलरेडी, तो ये पूछा जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि रिसेंटली जिस बैंक का CMD या हेड जो चेंज हुआ है तो उसके बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है। बैंक की बात कर रहा हूँ, PSU एज वेल एज PSU बैंक की भी बात कर रहा हूँ और प्राइवेट सेक्टर बैंक की भी, PSU प्राइवेट बैंक की भी बात कर रहा हूँ, इवन फॉरेन बैंक जो जिनकी इंडिया में ब्रांचेस हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं टैगलाइंस ऑफ वेरियस बैंक्स, बहुत इम्पोर्टेंट है किस बैंक की क्या टैगलाइन है, किसी किसी बैंक की दो टैगलाइंस भी होती हैं, लेकिन आप दोनों ही याद कर लें। पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स, ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ कवर, आई थिंक गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स में ये ऑलरेडी कवर हो चुका है, इसका PDF ऑलरेडी मैं अवेलेबल है मेरे पास, ये मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। इंटरनेशनल कमेटीज, ये भी मैं कवर कर चुका हूँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो मीट्स होती हैं, कमेटीज होती हैं, कौन सी मीट कहाँ हुई, कौन कौन सी कंट्री ने हिस्सा लिया, इसका विजन क्या था, इसमें से क्या निकल के आया, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट ऑफ पॉपुलर बुक्स एंड ऑथर्स, जो पिछले 2-3 महीने में जो जो बुक्स लॉन्च हुई हैं, अरुंधति रॉय, सचिन तेंदुलकर, इन सब अच्छे जो वेल नोन पर्सनैलिटीज़ हैं, इन्होंने जो जो बुक्स लॉन्च करी हैं, तो उनका बुक का टाइटल ज़रूर याद रख लें, तो ये बहुत मैं कहता हूँ इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है पॉपुलर बुक्स एंड ऑथर्स में। उसके बाद बात करते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स इन लास्ट 2 and 3 months, पिछले 2-3 महीनों में कौन कौन से अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बेसिकली इसमें पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न जो गवर्नमेंट अवार्ड्स देती है वो आते हैं, या इसमें गवर्नमेंट के अवार्ड्स आते हैं पद्मश्री या पद्मा अवार्ड्स के बारे में आता है, या नेशनल अवार्ड जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स आते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में आ जाता है, या इवन फिल्म फेयर के बारे में भी कई बार आ जाता है, जो फिल्म अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो फिल्म के बारे में होता है या स्पोर्ट्स के बारे में अवार्ड्स होता है या लिटरेरी, जो लिटरेरी अवार्ड्स होते हैं उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो FDI लिमिट्स, ये टॉपिक बड़ा न्यूज में था, कौन से सेक्टर में कितनी लिमिट है ये जरूर पढ़े। रिवर साइड इंडियन सिटीज ये मैं कवर कर चुका हूँ, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन इंडिया, तो कौन कौन सी सिटीज़ या कौन कौन सी जगह इंडिया में बहुत पॉपुलर है, वो पॉपुलर क्यों है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। गोल्ड रिलेटेड स्कीम्स, वैसे तो अभी ये टॉपिक थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो 3-4 स्कीम्स गोल्ड रिलेटेड आई थी उनके बारे में थोड़ा पढ़ लें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसरो ने कौन कौन सी जो सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च करी हैं इसके बारे में ज़रूर पढ़ें। अभी सबसे एंड में लास्ट बट नॉट द लीस्ट करंट अफेयर्स,
अगर आप करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स पिछले 1 साल से पढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको इन सब के बारे में जो अभी तक हमने करा है ये आपका अपने आप ही कवर हो जाएगा। पिछले 6 महीने का अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, लास्ट 6 मंथ्स जीके डाइजेस्ट जो है, अगर आपने लास्ट 6 मंथ्स का पढ़ा है, 6 मंथ्स का जीके डाइजेस्ट आप कवर कर चुके हैं, तो कम से कम मैं कहता हूं कि आपका 80% स्कोर आ जाएगा आसानी से। अभी पढ़ेंगे, अभी 3-4 दिन में पिछले 6 महीने का 500-600 वर्ड पढ़ेंगे तो उतनी अच्छी से याद नहीं होगा। एंड में कहेंगे कि सर ने तो कुछ और बताया था, पेपर में कुछ और आ गया, तो ऐसा नहीं होता है। करंट अफेयर्स मैं कहूंगा कि आप रेगुलर पढ़ें, डेली पढ़ें, नॉट इवन मंथली, मैं कहता हूं डेली करंट अफेयर्स पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स डेली नहीं पढ़ेंगे तो स्कोर नहीं हो पाएगा। तो पिछले 6 महीने का जीके वैसे शुरू कर लें जैन 2017 से, अभी इवन जितने दिन का हो सकता है टू टिल नाउ, इतना करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और हो सके अगर आपके पास टाइम है तो बैंकिंग का तो मैं प्रोवाइड करवा चुका हूं, स्टैटिक जीके डाइजेस्ट, जीके कैप्सूल मैंने बनाया है, इसको जरूर पढ़ लें। इसका लिंक मैं जरूर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आपके पास टाइम है तो जाते जाते स्टैटिक जीके डाइजेस्ट को जरूर पढ़ लें। अभी के टाइम में नया कुछ पढ़ना है अगर आपने क्वांट रीजनिंग का, वो फायदा नहीं है। लास्ट के 1 हफ्ते में मैं कहूंगा जीके ही पढ़ें तो जरूर आपको फायदा दिलाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे यहाँ पे थम्स अप का बटन है, यहाँ पे थम्स अप का बटन है, वो जरूर दबाइए। नीचे यहाँ पे थम्स अप का बटन होगा, यहाँ पे कहीं पे, तो थम्स अप का बटन जरूर दबाइए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मैं अपना ईमेल आईडी लिख रहा हूं, raman@bankexamstoday.com। बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट कीजिए नीचे, और यहाँ पे वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। तो लाइक भी करना है आपको, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी मैं कल आपसे जरूर फिर दोबारा से बात करूंगा, आपको एग्जाम स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम करना चाहिए कि आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। चलिए आज के लिए इतना ही। Have a nice day.